नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। तो वीवो ने एक और भी अपने बजट रेंज में स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। हालांकि ये 4G स्मार्टफोन है और वीवो की ये नई स्मार्टफोन वीवो Y33T है, जिसमें आपको इंडिया का पहला 680 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इसमें केवल दो कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें मिरर ब्लैक और मेडी ड्रीम शामिल है। डिस्प्ले में 6.58 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिल जाएगी। और इसका जो पीछे वाला पैनल है प्लास्टिक का, वो मिल जाता है। कैमरे इसके रियर में 50MP की ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जहाँ पे 50MP की मेन कैमरा, 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का सुपर माइक्रो लेंस दिया गया है। तो इसके फ्रंट में 16MP की सेल्फी कैमरा दी गई है। बैटरी 5000mAh की मिल जाती है, जो कि 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। टाइप सी पोर्ट दिया गया है। तो इस साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और इसका जो वेट है 182 ग्राम तक है। तो इसमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, 4G के साथ ही आती है। स्टोरेज में आपको 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज मिल जाती है। इसके अलावा 4GB रैम आप वर्चुअली इसको बढ़ा भी सकते हैं। प्रोसेसर इसमें क्वाडकॉम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर दिया गया है। तो इसमें फन टच OS एंड्रॉयड 12 मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 18,990 यानी कि 18,990 रुपये तक इसकी प्राइस रखी गई है। तो अगर आप वीवो में एक लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहते हैं 20,000 के कम के प्राइस में, हालांकि इतने प्राइस रेंज में आपको अन्य दूसरे कंपनी में 5G स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आपको वीवो कंपनी के प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं तो इसको आप परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।